हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो का पार्ट 7। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। यदि चार और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होता? देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन SSC CGL मेंस 2016 का क्वेश्चन है, मेंस का। तो थोड़ा देखिए, कह रहा है टोटल स्कूल में 132 परीक्षार्थी हैं जो एग्जाम दिया है। तो एग्जाम में क्या होता है, पास और फेल, दो ये चीज होता है। तो पास और फेल का रेशियो दिया है 9:2। तो लिखिए पास और फेल का रेशियो दिया है कितना, 9:2, 9:2। तो चलिए तुलना कीजिए, पास और फेल का कुल विद्यार्थी कितना अनुपात में है, 9 और 2 11, अनुपात में 11 है, लेकिन टोटल विद्यार्थी एग्जाम कितना दे रहा है, 132, 132। देखिए इसको काटिएगा तो कितना मटर कट जाएगा, तो 12 मटर कट जाएगा। अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 12। अब अगर पास की संख्या निकालना है तो पास का अनुपात कितना है, 9। अनुपात 1 बराबर 12, तो अनुपात 9 बराबर कितना, तो 12 गुना 9। हम लोग जानते हैं 12 गुना 9 कितना हो जाएगा, 108, और 12 गुना 24 कितना हो जाएगा, 12 गुना 24। निकल गया पास और फेल की संख्या, यानी पास किया कितना विद्यार्थी, 108 विद्यार्थी, फेल कितना किया विद्यार्थी, 24 को। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि चार और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी जो पहले फेल करा था उसमें से चार को और पास कर जाता, तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होता? तो लिखिए 9। अब करा है क्वेश्चन फिर से कि अब पास और फेल का रेशियो कितना होगा, जब चार विद्यार्थी और पास कर जाता, बताइए। तो 108 विद्यार्थी पहले पास कर रहा था, अगर चार को और पास कर जाएगा तो कितना पास करेगा, तो 108 और चार कितना हो जाएगा, 112 अनुपात। अब बताइए 24 विद्यार्थी फेल किया था पहले इसमें, अब कह रहा है अगर इसमें से चार को और पास कर जाएगा, तो 24 विद्यार्थी में चार विद्यार्थी और पास कर लिया, तो बताइए आप फेल कितना रहेगा, तो 24 में से चार को चला गया तो बचा कितना, 20 को। अब इसको लिख दीजिए तो कितना कॉमन हो जाएगा, दोनों में से चार, तो चार कॉमन कीजिएगा तो 4 गुना 8 और 4 8 32, 4 5 20, यानी 28:5 का रेशियो, यानी अब पास और फेल का रेशियो कितना रहेगा, 28:5, पास और फेल 28:5, ऑप्शन डी। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कराए किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान शहीद हो गए और यह अनुपात 1:13 हो गया। तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी? दिया है कि एक रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसर और जवान का अनुपात था 3:31। तो अफसर को मानते हैं ए और जवान को मानते हैं जे। तो अफसर और जवान का रेशियो कितना, 3:31, ये अनुपात में है। अगर आए जब युद्ध हुआ तो 6 अफसर और 22 जवान शहीद हो गए, यानी 6 अफसर और 22 जवान का होगा मारे गए, तो यह अनुपात 1:13 हो गया। अब रेशियो कितना हो गया, 1:13 का। तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी? देखिए यहां ध्यान दीजिएगा कि दिया है अफसर और जवान का रेशियो, लेकिन अफसर 6 को मारा गया और 22 को जवान मारा गया, यानी संख्या में दिया है रेशियो में, और मारा गया किसमें, तो संख्या में। तो देखिए ऐसे नहीं घटा सकते हैं कि अनुपात से संख्या को घटा लेते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, संख्यात्मक मान मिलाइए। मान लीजिए कि अगर अफसर 3x होगा तो जवान कितना हो जाएगा, 31x। अब लगाइए कि अफसर है 3x तो जवान कितना, 31x। देखिए x x कट जाएगा तो 3/31, अब बटा को हम देख सकते हैं अनुपात में, 3:31। अब आ गया कि अफसर 3x था तो जवान कितना, 31x। इसमें 6 अफसर शहीद हो गया, यानी 6 को मारा गया, तो बचा कितना, 3x-6, और जवान कितना मारा गया, 22 को। तो 31x में से 22 जवान शहीद हो गया, तो बचा कितना, 31x-22।
अब रेशियो कितना हो गया, यानी अब ये जो शेष बटा शेष बचा है वो अब का रेशियो कितना हो गया, 1/13 का, 1/13 का यानी 1:13 का। देखिए हम लोग जानते हैं अब भिन्न में बराबर है तो तिरछा तिरछी गुना होता है, तो गुना कीजिए 13 × 3x − 6 यानी आ जाएगा 33 × 39x − 63 = 78 बराबर, और 31x − 22 को गुना करेंगे 1 के साथ आ जाएगा 31x − 22। अब 39x में से 31x इधर से आकर घटेगा, तो 39x में से 31x घटेगा तो कितना जाएगा 8x। और देखिए −78 अगर बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो +78 हो जाएगा, अब +78 में से −22 घटेगा तो कितना बचेगा 56। अब काटिएगा इसको 8 × 56 यानी x का मान कितना आ गया 7। यानी अब यहां से कह सकते हैं कि x का मान 7 आ गया, तो कह रहा है युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी, तो ये था युद्ध के पहले वाला, तो अफसर की संख्या कितना बताइए, तो युद्ध के पहले अफसर की संख्या कितना था 3x, 3 × x का मान रख देंगे 7 तो कितना जाएगा 21। यानी युद्ध से पहले अफसर की संख्या कितना था 21, अफसर 21 वो था। और अगर पूछेगा कि बताइए युद्ध से पहले जवान की संख्या कितना, तो जवान कितना है 31x, 31x और x का मान कितना है 7, तो 31 × 7 कर लीजिएगा तो आ जाएगा कितना 7 और 7 × 21 इन 217 को जवान था। चलिए ऑप्शन हो गया सी नंबर। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, यानी एक कॉलेज में 48 स्टूडेंट है, यानी एक यूनियन में 48 स्टूडेंट है जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5/13 है, यानी 48 स्टूडेंट को किस तरह बांटा गया है, तो 5/3 के रेशियो में किसका किसका, लड़कों और लड़कियों की संख्या। देखिए यहां से निकाल सकते हैं कि बॉय और गर्ल के रेशियो कितना दिया 5/3 के रेशियो में है, बताइए बॉय और गर्ल मिलाकर कितना होगा 5/3 = 8 अनुपात में 8, लेकिन संख्या में कितना है विद्यार्थी 48, तो काटिएगा 8 × 6 = 48 यानी 6 × 1 = कितना गया 6। यानी यहां से कह सकते हैं 6×5 = 30, 30 को बॉय तो 6 × 3 = 18, 18 को गर्ल, देखिए बॉय का अनुपात कितना 5, तो अनुपात 1/6 तो अनुपात 5 = कितना 30, और गर्ल का अनुपात 3 तो अनुपात 1/6 तो अनुपात 3 = कितना 6 × 18, यानी बॉय की संख्या 30 था और गर्ल की संख्या कितना 48, जोड़िए बॉय और गर्ल जोड़िए 30 और 18 कितना 48 निकल गया विद्यार्थी की संख्या। अब कह रहा है इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए, यानी इस यूनियन में यानी 48 गो में और कितना लड़की की संख्या को लेकर चला आए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6/5 हो जाए। इसका मतलब कह रहा है कि 30 गो बॉय था और गर्ल 18 गो था, तो इसमें और कितना गर्ल को लेकर चला है, ठीक है और कितना गर्ल को लेकर चला है कि अब रेशियो जाएगा 6/5। देखिए बॉय की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसमें रहा है गर्ल की संख्या में, चलिए इसको लिख सकते हैं 30 गो बॉय और गर्ल कितना 18, लेकिन और कितना गर्ल लेके चलाते हैं मानते हैं एक्स, तो आप गर्ल की संख्या कितना हो गया 18 + x, तो बॉय की संख्या बट्टा गर्ल की संख्या तो क्या हो जाएगा बराबर, किसके बराबर हो जाएगा 6/5 के बराबर हो जाएगा। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, काट सकते हैं ऊपर ऊपर 6×5 = 30, ये जगह 5×5 = 25 यानी 25 = 18 + x। अब बताइए x बराबर कितना, तो 25 में से 18 घट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, और x क्या माने थे और लड़कियों की संख्या को जोड़ा जाता है कितना, तो x का मान आ गया 7, ऑप्शन कौन जाएगा बी नंबर, यानी कितने लड़की को जोड़ा जाएगा तो 7 लड़की को और जोड़ा जाएगा। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, क्या बोला है ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, यानी सी के पास जितना है उससे 5 गुना रुपया किसके पास ए के पास है, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है,
परंतु 20 से कितना अधिक है 50 रुपया। देखिए किसके बारे में बोला होगा, तो एक ने बारे में बोला है कि एक 5 रुपया है सी से 5 गुना, लेकिन 20 से 50 रुपया अधिक है। यदि कुल रुपया 6,550 हो तो बी का हिस्सा क्या है? देखिए कुल रुपया कितना 6,550, यानी कुल रुपया मतलब क्या हुआ, तीनों को मिलाकर यानी ए बी सी के पास तीनों के पास मिलाकर कितना 6,550, तो बी का हिस्सा क्या? चलिए लिखिए इसको, ए है, बी है और कौन है, सी है। सी है बोला है ए के पास सी से कितना है 5 गुना है। तो मान लीजिए कि सी के पास कितना रुपया हुआ, तो मान लीजिए सी के पास कितना एक्स, अगर हम कहते हैं मान लीजिए अगर से हम लोग कहते हैं कि अगर सी के पास एक्स रुपया है, बताइए ए के पास कितना हो जाएगा, तो सी का 5 गुना यानी एक्स का 5 गुना किया जाएगा ना 5x, निकल गया ए का मान। परंतु देखिए क्या बोला, परंतु बी से 50 रुपया अधिक, बी से 50 रुपया अधिक, तो बी से 50 रुपया अधिक किसके पास, ए के पास ही बोल रहा है कि ए के पास सी से 5 गुना है परंतु बी से 50 अधिक है, यानी ए के बारे में एक बार बोल रहा है सी से और एक बार बोला है बी से कि ए के पास सी से 5 गुना और बी से 50 अधिक। बताइए अब ए और बी में समझिए कि ए के पास जो राशि है वो बी से 50 रुपया अधिक है। देखिए इसको उलट कर बोल सकते हैं कि बी के पास जो राशि होगा ए से 50 रुपया क्या होगा कम, काहे कि ए के पास बी से 50 रुपया ज्यादा, तो बी के पास ए से 50 रुपया कम भी होगा। तो इसको बोल सकते हैं बी के पास कितना हो जाएगा, तो ए के पास 5x, तो बी के पास कितना, तो 5x-50, ठीक है, निकल गया ए बी सी के पास राशि। यानी सी के पास एक्स रुपया हो तो ए के पास कितना हो जाएगा 5x रुपया, और ए के पास बी से ज्यादा था 50 रुपया, इसका मतलब हुआ बी के पास ए से 50 रुपया कम है, तो ए के पास 5x है तो बी के पास कितना हो जाएगा 5x-50, और तीनों को जोड़कर कितना रुपया है 6,550, तो जोड़िए तीनों को 5x+5x-50+x, ये तीनों का पास जोड़कर कितना है तो 6,550 रुपया। अगर ये 5x और 5x 10x और 1x कितना होगा 11x, और -50 को बराबर के उस साइड ले जाएगा क्या होगा +50, तो 6,550 और 50 और जोड़ेंगे तो 50 50 100 हो गया, तो 6,500 और 100 कितना हो गया 6,600। अब इसको भागा दे लीजिए तो 11×6,600 यानी x बराबर कितना आ गया 600, x बराबर कितना आ गया 600। तो पूछ रहा है बी का हिस्सा क्या है, इसलिए बी के पास कितना है, तो बी के पास है 5x-50, लगाइए 5 और x का मान कितना 600 और माइनस 50 कर देना है, तो आ जाएगा 6×35 3,000 में से 50 रुपया कम, यानी कितना 2950, कितना है 2950 रुपया है, यानी ऑप्शन कौन जाएगा सी नंबर 2950। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है 700 रुपया को रिंकी एवं रूबी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 है, तो रिंकी का हिस्सा बताएं। देखिए क्या बोला 2/5 है, भिन्न दिया 2/5, इसको रेशियो में लिखिए। देखिए टोटल राशि है 700 रुपया, इस 700 रुपया को रिंकी और रूबी के बीच में बांट दिया जाता है, तो बताइए रिंकी का हिस्सा कितना, लेकिन कैसे बांटेगा, तो बोला है रिंकी का हिस्सा जो है रूबी के हिस्से का 2/5 है, किसका हिस्सा रिंकी का, किससे तुलना किया है रूबी से, तो हम बताए थे जिसके बारे में बोलेगा वो भीम का ऊपर वाला और जिससे तुलना करेगा वो भीम का नीचे वाला, तो बताइए किसके बारे में बोल रहा है, तो रिंकी के बारे में, किससे तुलना किया है रूबी से, तो रिंकी का हिस्सा जो है रिंकी का हिस्सा किससे तुलना करेगा रूबी से, रूबी से, तो जिसके बारे में बोलेगा ऊपर वाला, जिससे तुलना करेगा नीचे वाला, तो रिंकी के बारे में बोल रहा है, ठीक है रिंकी के बारे में, और किससे तुलना किया रूबी से, रूबी से, तो लगाइए तो रिंकी का हिस्सा 2 तो रूबी का हिस्सा कितना 5,
पांच, बताइए दोनों मिलाकर कितना अनुपात में सात, तो दोनों मिलाकर सात अनुपात में लेंगे, रुपया में कितना सात सौ, सात सौ अनुपात एक बराबर कितना सौ, अनुपात एक बराबर सौ बताइए, अनुपात दो बराबर कितना दो सौ, अनुपात पांच बराबर कितना पांच सौ, आ गया दो सौ पांच सौ। तो किसका पूछ रहा है, रिंकी का, तो रिंकी का कितना मिला दो सौ, आंसर हो जाएगा दो सौ, दो सौ कौन जाएगा ऑप्शन ए। आइए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन दिया है, किसी वर्ग में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात तीन अनुपात पांच है। देखिए वर्ग मतलब क्या हो जाएगा क्लास, तो किसी क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात तीन अनुपात, तो लिख लीजिए बॉय और गर्ल का रेशियो कितना था तीन अनुपात पांच था। अब कह रहा है जब 32 लड़की बाहर हो जाती है तो अनुपात पांच अनुपात तीन होता है, यानी क्लास में से अगर 32 लड़की बाहर हो जाए तो अब अनुपात कितना हो जाएगा पांच अनुपात तीन, अब कितना हो जाएगा पांच अनुपात तीन। तो कह रहा है वर्ग में लड़कों की संख्या बताएं, यानी क्लास में लड़कों की संख्या कितना है। देखिए ध्यान दीजिए इसको समझिए क्वेश्चन को, कह रहा है एक क्लास चल रहा है उसमें कुछ लड़का है और कुछ लड़की और उसका रेशियो है तीन अनुपात पांच। अब कह रहा अगर उसमें से जितना लड़की था उसमें से 32 को बाहर चला जाए तो अब वह लड़का और लड़की का रेशियो कितना होगा पांच अनुपात तीन। तो ध्यान दीजिए कि क्लास में से सिर्फ कौन बाहर हो रहा है लड़की, तो लड़की बाहर हो रहा है इसका मतलब हुआ कि लड़का की संख्या पहले जितना था उतना ही का हुआ अब भी होगा, लड़का की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। तो लगाइए लड़का की संख्या को क्या करेंगे अनुपात वाला को समान करेंगे, तो यहां था तीन अब हो गया पांच, तो दोनों को समान करने के लिए क्या करना होगा तो इसमें पांच से गुना करना होगा, इसमें करना से तीन से, यानी ए आर रेशियो कट कर कितना जाएगा पांच तिहाई पंद्रह और पांच पच्चीस, ये हो जाएगा कितना पांच तिहाई पंद्रह और तीन तिहाई नौ। यानी यहां से देखा जाए तो बॉय और गर्ल का तो पहले था 15 और 25 का रेशियो कितना आ गया 15 और 25 का रेशियो, यानी बॉय 15 को तो गर्ल कितना 25 को, लेकिन अब कितना हो गया 32 लड़की बाहर होने कारण तो अब हो गया 15 अनुपात 9 का रेशियो, यानी 15 को लड़का तो लड़की कितना 9। देखिए लड़का पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी 15 अब भी 15, तो लड़का लड़का समान। अब लड़की को देखिए पहले लड़की की संख्या 25 अब है 9, तो बताइए कितना का कमी हुआ अनुपात में कितना कमी हुआ, तो 25 में से 9 गया तो कितना 16, यानी अनुपात में 16 वो लड़की कमी हो रहा है लेकिन संख्या में कितना 32 हो। तो कहते हैं अनुपात 16 बराबर 32, तो अनुपात 1 बराबर कितना है, तो काटेगा 16 गुना 32, 16 गुना 32 तो अनुपात 1 बराबर 2। तो कह रहा है वर्ग में लड़कों की संख्या कितना है यानी बॉय बराबर कितना है, तो बताइए बॉय की संख्या कितना है तो अनुपात में कितना है 15, बॉय का रेशियो कितना है 15, तो अनुपात 1 बराबर 2 तो 15 बराबर कितना हो जाएगा 15 गुना 30, यानी कितना था 30 गो, तो ऑप्शन कौन जाएगा ए नंबर, बॉय की संख्या कितना था 30 गो। अगर लड़की की संख्या निकालना है कि वर्ग में पहले लड़की की संख्या कितना था, पहले कितना था 25, तो 25 गुना 2 करेंगे तो कितना जाएगा 50, यानी पहले लड़की की संख्या 50 लेकिन 32 को बाहर हो गया तो अब कितना, तो अनुपात में 9 तो 9 गुना 18। देखिए पहले 50 को था अब था 18 को, तो घटाएगा दोनों का अंतर था ना 32 को, यानी 32 को बाहर हो रहा था, लेकिन हमको पूछ रहा था बॉय की संख्या, तो बॉय की संख्या अनुपात 15, 15 बराबर कितना तो अनुपात 1 बराबर 2 तो 15 बराबर 30, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आइए हम लोग सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 11 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7 अनुपात 13 हो जाता है, दोनों संख्याओं का योग क्या है। देखिए दो को संख्या मान लीजिए, कोई मान लीजिए तो मान लीजिए एक संख्या x और दूसरी संख्या कौन y, तो दोनों संख्या का रेशियो कितना था पहले 5 अनुपात 11 का रेशियो था, 5 अनुपात 11 का, ठीक है, ये पहले दोनों संख्या का रेशियो कितना था 5 अनुपात 11 का, लेकिन कह रहा है अब x में भी 10 का वृद्धि कर दी जाए और y में भी 10 का वृद्धि कर दी जाए तो अब अनुपात कितना हो जाता है,
अब यह रेशियो जगह एक्स और वाई का कितना 7:13, 7:13 का। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, पहले एक्स का रेशियो 5, कुछ वृद्धि करने पर कितना गया 7, तो कितना का वृद्धि किया अनुपात में। देखिए यहां अनुपात में कितना का वृद्धि, तो 5 से 7 हो गया, अनुपात में 2 का वृद्धि। और वाई देखिए दूसरी संख्या, पहले था 11 लेकिन संख्या दूसरी संख्या में 10 का वृद्धि कर दिए तो हो गया कितना 13, तो 11 से 13 हो गया, तो कितना का वृद्धि, अनुपात 2 का वृद्धि। यानी दोनों संख्या में 10-10 वृद्धि करा, यानी समान वृद्धि करा है। तो हम लोग रेशियो में देख रहे हैं दोनों में समान वृद्धि हो रहा है, कितना का, अनुपात 2 का। तो कह सकते हैं कि दोनों संख्या में अनुपात 2 का वृद्धि, तुलना कीजिए दोनों संख्या में अनुपात में कितना का वृद्धि, 2 का वृद्धि, लेकिन संख्या में कितना का वृद्धि, 10 का, दोनों संख्या में 10 का वृद्धि। तो कह सकते हैं अनुपात 2 = 10, तो अनुपात 1 = कितना हो जाएगा, घटेगा, 2 × 5 = 10, अनुपात 1 = 5। कहा दोनों संख्याओं का योग क्या है, देखिए दोनों संख्याओं का योग क्या है पूछ रहा है। तो देखिए जब पूछ दिया है इसका मतलब मूल संख्या का मान पूछ रहा है, ठीक है, यानी x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। तो बताइए अनुपात 5 अनुपात 11 कितना जगह, अनुपात 5 और 11 जगह 16, यानी 5 + 11 कितना 16, अनुपात 16 हो जाएगा। तो बताइए 1/5 तो 16 कितना होगा, 16 × 5 = 80 हो जाएगा, ऑप्शन कौन रहेगा, ए नंबर। आइए हम लोग आठवां क्वेश्चन लिखते हैं। आठवां क्वेश्चन है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात, 3 कक्षा मतलब 3 क्लास है, तो 3 क्लास के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए तीनों क्लास है, तो मान लीजिए तीनों क्लास कौन कौन है, मान लीजिए एक्स वाई जेड, ये तीनों क्लास है। तो पहले क्या था रेशियो, यानी क्लास में संख्या का रेशियो कितना था, एक्स वाई जेड का रेशियो कितना था, तो 4:6:9 का रेशियो था, यानी स्टूडेंट किस रेशियो में बैठा था, 4:6:9 का रेशियो में। अब प्रत्येक में 12 का विधि, प्रत्येक मतलब क्या हुआ, सभी में, तो एक्स में भी 12 का विधि, वाई में भी 12 का विधि और जेड में भी 12 विधि हो गया, तो अब अनुपात हो गया 7:9:12 का रेशियो, यानी अब हो गया कितना का, 7:9:12। देखिए यहाँ क्या बोला है, प्रत्येक, यहाँ थोड़ा ध्यान देने लायक है, बोला है प्रत्येक, तो हम लोग भी रेशियो में देखेंगे प्रत्येक में कितना का वृद्धि। बताइए एक्स क्लास में, यानी पहला क्लास में देखे तो अनुपात 4 से हो गया कितना 7, तो कितना का वृद्धि किया, अनुपात 3 का। इसमें देखिए वाई में अनुपात 6 से हो गया कितना 9, तो कितना वृद्धि, अनुपात 3 का वृद्धि, और 9 से 12 हो गया, यानी अनुपात में कितना वृद्धि, 3 का। यानी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रत्येक क्लास में विद्यार्थियों की संख्या अनुपात में कितना का वृद्धि, 3 का, अनुपात में कितना का वृद्धि, 3 का वृद्धि हो रहा है। तो बताइए प्रत्येक में अनुपात 3 का वृद्धि, तो संख्या में कितना का वृद्धि, संख्या में 12 का, संख्या में कितना का, 12 का। तो प्रत्येक में 12 का वृद्धि, अनुपात में कितना, 3, तो तुलना कर लीजिए, तो अनुपात 3 = 12, तो अनुपात 1 = कितना, इसको काटिए, 3 × 12, यानी अनुपात 1 = कितना, 4। तो कह रहा है बताइए तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए ये वृद्धि का रेशियो होगा और ये वृद्धि के पहले का, तो वृद्धि के पहले रेशियो अभी संख्या निकालिए एक्स वाई जेड का, तो बताइए 4, 6, 10, 10, 9, 19, अनुपात 19 = कितना हो जाएगा, तो 19 × 4 कर लेंगे, 19 × 76 कितना हो गया, 76। यानी वृद्धि से पहले स्टूडेंट की संख्या कितना था, 76 था तीनों क्लास मिलाकर, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी नंबर। आइए हम लोग नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन दिया है 2 संख्याएं 3:5:5 के अनुपात में है, यदि
उन दोनों में छह जोड़ दिया जाए तो अनुपात दो अनुपात तीन हो जाता है। तो वे संख्या क्या है? देखिए दो संख्या कोई मान लीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या या एक्स वाई करके, तो पहली संख्या एक्स दूसरी संख्या कौन वाई, ये दोनों संख्या का रेशियो कितना था तीन अनुपात पांच। यानी पहले मान लीजिए तीन अनुपात पांच। अब कह रहा है उन दोनों में छह जोड़ दिया जाए, यानी एक्स में भी छह जोड़ दिया जाए और वाई में भी छह जोड़ दिया जाए, तो यह अनुपात दो अनुपात तीन हो जाता है। तो अब कितना का रेशियो हो जाएगा? अब हो जाएगा दो अनुपात तीन का, दो अनुपात तीन का। करा वे संख्याएं क्या क्या है? देखिए दोनों संख्या में छह जुट रहा है, क्या हो रहा है दोनों संख्या में छह जोड़ रहा है, यानी प्रत्येक में छह का वृद्धि हो रहा है, तो दोनों में समान वृद्धि हो रहा है। तो हम लोग भी देखेंगे दोनों में समान का वृद्धि, भाई x को वृद्धि करेंगे और y को वृद्धि करेंगे तो समान होना चाहिए। तीन और दो है यहाँ तो वृद्धि तो नहीं हुआ, पांच है तीन है तो वृद्धि नहीं हुआ, तो वृद्धि समान कीजिए। देखिए दोनों को रेशियो समान करने के लिए क्या करना होगा, तो इन दोनों ऊपर वाला का अंतर नीचे में गुना कर लीजिए, बताइए तीन और पांच का अंतर कितना दो, इसमें दो से गुना, और यहां से अंतर दो और तीन का अंतर कितना एक, तो इसमें एक से गुना, तो एक से गुना कीजिएगा तो कोई परिवर्तन ना होगा, यानी तीन अनुपात पांच में आ जाएगा, लेकिन इसमें दो से गुना कीजिएगा तो एक कितना हो जाएगा दो दुना चार और तीन गुना छ, यानी अब कितना हो गया चार और छह का रेशियो। देखिए अब बताइए कि एक का पहले रेशियो था तीन, अब कितना हो गया चार, तो तीन से चार हो गया, कितना हो गया तीन से चार, तो कितना का वृद्धि किया अनुपात एक का वृद्धि किया। और बताइए पांच से हो गया कितना छह, तो कितना का वृद्धि किया एक का, अनुपात में कितना का एक का, बताइए प्रत्येक में कितना का वृद्धि अनुपात एक का वृद्धि, लेकिन संख्या में कितना का वृद्धि छह का, तो कह सकते हैं अनुपात एक बराबर छह, ठीक है तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का रेशियो कितना था अनुपात तीन, तो छिया कितना हो जाएगा अठारह, यानी पहली संख्या कितना है अठारह। y का मान कितना हो जाएगा, तो y का रेशियो कितना है फाइव अनुपात में पांच, तो एक बराबर छह तो पांच बराबर कितना तीस, यानी पहली संख्या अठारह था तो दूसरी संख्या कितना तीस, ठीक है तो कौन सा ऑप्शन जाएगा अठारह और तीस। देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन यहां पर ही 18 है, यहां 20 आ गया है, गलती लिखा गया, इसको 30 कर लीजिए, 18 और 30 ये कौन सा ऑप्शन जाएगा डी नंबर, कौन सा ऑप्शन डी। आइए हम लोग दसवां क्वेश्चन देखते हैं। कराए 395 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 25 पर अधिक, यहां पर पढ़िए B को A से 25 पर अधिक, लगाइए B को A से 25 पर अधिक, A और B के पहले में क्या बोला है B को A से कितना अधिक मिलेगा 25%। तो बताइए अगर A को 100% मिलेगा तो B को कितना मिलेगा 125%, यानी 25 पर अधिक यानी कितना 125, अब प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा तो रेशियो में एक कितना जाएगा, तो 25 से कॉमन हो जाएगा, तो 25 चको 100 और 25 25 25 यानी 125, यानी ए और बी के बीच में कितना का रिलेशन आया 4:5 का। फिर बोला तथा सी से 20% अधिक प्राप्त होता है, 20% अधिक यानी किससे सी से, किसको बी को, तो अब बी और सी में देखिए रिलेशन, तो करा बी को सी से 20% अधिक, तो मान लीजिए सी को अगर 100% मिलेगा, ठीक है तो ए बी को कितना मिलेगा, तो 20% अधिक मिलेगा, तो कितना ज्यादा 20% जोड़ देंगे तो 100 और प्लस 20 कितना 120%, तो प्रतिशत प्रतिशत कर जाएगा तो यहाँ कॉमन कीजिएगा तो कितना जाएगा, तो 20 6 120 और 20 25 100, यानी 6:5 का रेशियो। अब ए बी सी का रेशियो लिखिए, तो दोनों में कॉमन कौन है बी, तो बी का रेशियो समान कीजिए, तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा, तो इसमें कर देते हैं 6 से गुना, और इसमें कितना से गुना कीजिएगा, कर देंगे 5 से गुना, तो आ जाएगा 6 × 25 30 और 5 × 25, और ये हो जाएगा 6 × 24 और 6 × 25 30। तो अब बताइए ए बी सी का रेशियो कितना हो गया, ए बी और सी का रेशियो कितना 24 30 और 25 का रेशियो,
यानी ए को 24 मिलेगा तो बी को 30 मिलेगा, तो सी को कितना मिलेगा 25। अब रहा है तीनों को मिलाकर कितना देना है 395, तो तीनों को मिलाकर अनुपात में कितना देना है, तो जोड़िए 5 और 4 9 और 3 2 5 5 2 7 अनुपात 7, यानी अनुपात में कितना आया 79। तीनों को मिलाकर अनुपात में कितना 79, तो रुपया में कितना 395 रुपया, 395 रुपया, ठीक है अनुपात में आया, अनुपात में टोटल 79 तो रुपया में टोटल कितना 395, तो काटिए तो कितना मतलब कट जाएगा 5 मतलब कट जाएगा ये 5, तो अनुपात 1 बराबर कितना आ गया, अनुपात 1 बराबर 5 रुपया। तो कह रहा है ए का भाग कितना है, तो बताइए ए का मान कितना है, ए का रेशियो अनुपात में 24, तो ए को कितना मिलेगा, अनुपात 1 बराबर 5 तो 24 बराबर कितना 120, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो 120 सी नंबर, ऑप्शन कौन जा रहा है सी नंबर। आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। देखिए दो गो संख्या है, एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या, तो मान लेते हैं पहली संख्या x और दूसरी संख्या कौन y, यानी एक पहली संख्या मान ली है और एक दूसरी संख्या मान ली है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या मान ली है। अगला जब एक संख्या का 60%, एक संख्या मानते हैं पहली संख्या का 60%, तो x का 60% किसी अन्य संख्या से घटा जाए, तो मान लीजिए x का 60% तो दूसरी अन्य संख्या कौन बचेगा y, यानी दूसरी संख्या से घटाया जाए, यानी y से x का 60% घटाया जाए, तो कह रहा है यह संख्या घटकर अपना 52% रह गई, कौन तो y से घटाए तो y घटकर कितना रह गया अपना 52%, यानी कितना y का 52%। समझिए क्वेश्चन को, कराए जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटा जाए, तो मानते हैं तो पहली संख्या का 60% अगर दूसरी संख्या में से घटा जाए, तो x का 60% y में से घटाया जाए, तो कराए दूसरी संख्या घटकर अपना 52% बचती है, तो y का 52%। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहां से कह सकते हैं y और ये 52/100 कितना, 52/100 तो 52/100 इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो 52y/100 और ये हो जाएगा कितना माइनस, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, यानी 60x/100। अब देखिए एलसीएम में जाएगा तो 100y में से 52y घटेगा, तो कितना हो जाएगा 48y, और 100 नीचे क्या होगा कट जाएगा, आयु जाएगा 60x। अब काट सकते हैं 48 और 12 50 60, बताइए x और y का रेशियो कितना, तो बताए थे ये आ गया 4y/5x, x का रेशियो कितना, तो x का सामने कौन है 4 है, तो 4 हो जाएगा, और y के इधर सामने कौन है 5, तो 5 हो जाएगा, यानी कितना का रेशियो जाएगा 4:5 का रेशियो, ऑप्शन कौन जाएगा डी नंबर 4:5 का रेशियो। आइए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा 11, 26, 37 और 78 में न्यूनतम कौन सा अंक जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या इन सभी में क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। देखिए समानुपात हम किसको बोलते हैं, तो 2 अनुपात आपस में बराबर तो उसे समानुपात बोलते हैं, जैसे ले सकते हैं मानते हैं ए एक अनुपात लेते हैं ए अनुपात बी और एक अनुपात लेते हैं सी अनुपात डी, दोनों का रेशियो आपस में बराबर है तो इसी का बोलेंगे समानुपात, यानी ए अनुपात बी जितना है उतने सी अनुपात डी रहे तो ये क्या हो जाएगा समानुपात। अब देखिए इसको लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर सी बटा डी, यानी लिखा जाएगा यानी a बटा बी
बराबर सी बटा डी लिख सकते हैं। तो देखिए मान लेते हैं 11 को ए मान लीजिएगा, 26 को बी मान लीजिएगा, 37 को डी सी मान लीजिए और 78 को डी मानेंगे। तो लिख सकते हैं समानुपात बराबर का निकलेगा ए बटा बी यानी 11 बटा 26 और सी बटा डी यानी 37 बटा 78। बोला है न्यूनतम संख्या कौन है जो प्रत्येक में जोड़ा जाए तो समानुपात, कब समानुपात होगा जब प्रत्येक में, तो मानते हैं न्यूनतम संख्या कौन है x, न्यूनतम संख्या कौन x, अगर प्रत्येक में x x जोड़ लेंगे, प्रत्येक में x x जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा समानुपात हो जाएगा यानी बराबर हो जाएगा, यानी 11 प्लस x बटा 26 प्लस x बराबर होगा किसके बराबर, तो 37 प्लस x बटा 78 प्लस x। तो कह रहा है x का मान कौन होगा यानी x बराबर भाट। देखिए ऐसा क्वेश्चन को बाय ऑप्शन से बना लेंगे, कहे कि अगर तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो x गुना x कितना जाएगा x स्क्वायर, तो द्विघात समीकरण में चलाएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो जाएगा बनाने में, इसीलिए इस तरह क्वेश्चन को क्या कीजिएगा बाय ऑप्शन से। तो देखिए एक बार पांच रखिएगा तो पांच रखकर देखना है कि दोनों साइड बराबर होता है कि नहीं, अगर दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो सही होगा ऑप्शन, अगर नहीं तो अगला ऑप्शन को चेक करेंगे। तो इसी तरह से तीन ऑप्शन को चेक कर लेना जल्दी से, तीन ऑप्शन में जो आएगा वो सही, और अगर तीनों में से तीनों को नहीं आए तो ऑटोमेटिक कौन होगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसका आंसर कौन आएगा सी नंबर चार, चार जोड़कर देख लीजिए 11 प्लस 4 जोड़िएगा तो कितना जाएगा 15 और 26 प्लस 4 जोड़िएगा तो कितना जाएगा 30 बराबर, 37 प्लस 4 जोड़िएगा तो कितना जाएगा 41 और 78 प्लस 4 जोड़िएगा तो कितना जाएगा 82। देखिए इसको काटिएगा 41 गुना 82 और 15 गुना 30 ठीक है, तो आ गया 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों रेशियो आपस में क्या है बराबर है, ये दोनों रेशियो आपस में क्या है बराबर है, इसीलिए x का मान कौन सही हो रहा है 4, यानी x का बराबर 4 लेने पर सही हो रहा है, तो ऑप्शन कौन जाएगा सी नंबर। इसको बाय ऑप्शन से बना लेना है क्वेश्चन को।